भारत में इस समय अगर कुछ सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है अयोध्या। पूरी अयोध्या सज रही है, हर तरफ उत्सव का माहौल है, और हो भी क्यों ना, जिसका इंतजार भारत के करोड़ों लोगों को इतने सालों से था, आखिरकार वो दिन 22 जनवरी आने ही वाला है। तो ऐसे में अगर आपने भी राम मंदिर के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने की तैयारी कर ली है तो ये वीडियो है खास आपके लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं नवनी और आप देख रहे हैं अनकट। 22 जनवरी 2024 के दिन अयोध्या में होने जा रहा है राम मंदिर का उद्घाटन, और इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ देश भर से 7000 से भी ज्यादा मेहमान शामिल होने वाले हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में लगभग 900 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। तो जाहिर सी बात है कि अयोध्या जाकर इस भव्य मंदिर के दर्शन करने की इच्छा हर देशवासी में होगी। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन कर लें, तो आपको बता दूं कि अयोध्या सिर्फ राम मंदिर के लिए ही नहीं बल्कि इन 7 खास पकवानों के लिए भी फेमस है। तो अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो वहाँ के ये ट्रेडिशनल पकवान जरूर ट्राई कीजिएगा। इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर है अयोध्या की फेमस चाट का। आप अयोध्या में हैं और वहाँ की चाट ना ट्राई करें ऐसा कैसे हो सकता है। अयोध्या की सड़कें इन रंग बिरंगी टेस्टी चाट वालों से भरी पड़ी है। स्वाद से भरपूर ये चाट वहाँ के लोगों का फेवरेट स्ट्रीट फूड है, और आप आलू टिक्की, पानी पूरी, कचौरी, समोसा और पापड़ी के साथ इस चाट को एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद है राम लड्डू। जी हाँ, अयोध्या के राम लड्डू भी काफी फेमस है और वहाँ के लोगों का फेवरेट स्ट्रीट फूड भी। इसे ज्यादातर सर्व किया जाता है इमली और पुदीने की चटनी के साथ, जो इसे और भी ज्यादा मजेदार बनाता है। अब है अयोध्या की दाल कचौरी। यस, यहाँ की कचौरी बहुत ही खास है। इसे मूंग दाल और उड़द की दाल से तैयार किया जाता है। तो अगर आप अयोध्या जाए तो एक बार वहाँ की दाल कचौरी जरूर ट्राई करें। इसके बाद नेक्स्ट है दही वड़ा। अयोध्या के बेहतरीन स्नैक्स में से एक दही वड़ा भी है। ताज़ा दही, अलग अलग तरह के मसाले और साथ में पुदीना और टमाटर की चटनी के साथ इसे खाने का मज़ा इसे और भी ज़्यादा खास बनाता है। वैसे सिर्फ स्नैक्स ही नहीं, अयोध्या की रिफ्रेशिंग ठंडाई भी काफ़ी फेमस है। ये वहाँ का लोकल बेवरेज है जो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। सो दिस कूल टेस्टी ड्रिंक विद नट्स एंड स्पाइसेस इज़ अ मस्ट ट्राई। जब बात आती है मिठाइयों की तो आपको बता दूं, अयोध्या के लड्डू लोग काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ के लड्डू काफ़ी टेस्टी होते हैं। नींबू की शेप के ये लड्डू आटे, चीनी और ड्राई फ्रूट से तैयार किए जाते हैं। अब जब मीठे की बात हो ही रही है तो अयोध्या की फेमस रबड़ी को कैसे भूल सकते हैं। अगर आप अयोध्या में हैं और वहाँ की रबड़ी आपने नहीं ट्राई की तो आप एक बेहतरीन चीज़ मिस कर रहे हैं। यहाँ की रबड़ी को तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स डालकर तैयार किया जाता है, और एक बार इसे टेस्ट करना तो ज़रूर बनता है। वैसे इन 7 खास डिशेस के अलावा अयोध्या के पेड़े, वहाँ की वेज बिरयानी और अयोध्या स्पेशल वेज थाली भी काफ़ी पॉपुलर है। तो अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो ये सब एक बार चख कर ज़रूर आइएगा। और अगर इनमें से आप ऑलरेडी कुछ ट्राई कर चुके हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।